नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जब आरएस भट्टी की पुलिस जहां भट्टी तोड़ने में व्यस्त है, वहीं अपराधी दिन दहाड़े गोली ठोकने में व्यस्त। जी हां, जमुई मुख्यालय के आजाद नगर मोहल्ले में 25 वर्षीय युवक को दिन दहाड़े 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी। मौके पर उस युवक की मौत हो गई। जिस तरह से आरएस भट्टी की पुलिस भट्टी तोड़ने में लगे हुए, अगर उसी तरह से तमाम अपराधियों की खोज में सारी पुलिस लग जाए तो अपराधी पाताल में भी छुपे होंगे तो पुलिस ढूंढ कर निकाल ली। हालांकि जमुई पुलिस कप्तान डॉक्टर सूर्य सुमन का जमुई में बहुत ही अच्छी पकड़ है, बहुत ही अच्छा बोलवाला है, लेकिन मुख्यालय में ही दिन दहाड़े 4 गोली अपराधियों के द्वारा सीने में उतार देना कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक कही जा सकती है। मुझे पता है डॉक्टर सूर्य सुमन जब जमुई के पुलिस कप्तान है तो अपराधी निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, लेकिन युवक की जान तो चली गई। आज उसके परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। जो घटना हो गया है जमुई शहर में, अब वो देखिए यहाँ पे जो घटना हुआ है पूरे मोहल्ले का बीच में है। अगर साइड में अगर मारता तो कोई तरह का बात भी था। अब इस मोहल्ले में ही देखा जाए, फुटेज तो खंगाला जाए, क्योंकि मोहल्ले का बीच का घटना आज मेरे साथ हुआ, कल उनके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। इसलिए ये किसी का न बिगाड़े न बिगाड़ेंगे, मारने लगे से चला वापस नहीं आएगा। मगर जो भी है इसको सख्ती से सजा मिलना चाहिए। क्या लगता है, कोई रंजिश है क्या? अब वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो देख रहे हैं, क्या स्तर से जांच करने के बाद ही पता चलेगा। आपको किसी पर शक है? अब हम थोड़ा सा तहकीकात करेंगे कि किसके किसके साथ ये था। अभी कुछ सुराग मिला है वहाँ पे, क्या लग रहा है कुछ राजनीति? हाँ, कुछ रंजिश भी है उसके साथ, सुराग मिला है, 2-3 का नाम आया है। अब वो उसको भी हम बोल दिए प्रशासन से कि जो भी है दोष है, दोषी को ही करना है, निर्दोष को मत कीजिएगा। इसलिए ऐसा कोई चुनावी रंजिश नहीं है। अब वो जितना लड़का सारा इससे बहुत पुराना दोस्त था, चुनावी रंजिश से किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। हत्या किस कारण से किया गया अभी तक कोई पता नहीं चला है। नहीं ऐसा कोई पर आप लोग थोड़ा साइड हो जाएगा तो